आज मैं लेके आया हूँ बुकलेट। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के करीब 10:20 हो रहे हैं और मैं आ गया था अभी सर के बंगले पे, यहाँ कुछ काम था। एक्चुअली आज है 15 नवंबर और यहाँ एक जगह पुष्कर है जहाँ मतलब 1 तारीख से मेला चल रहा है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं मेला देखने। आज NH भी है, लेकिन मैं आ गया था, थोड़ा पानी वगैरह डाला था सर के यहाँ, तो अभी चलते हैं। अभी मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ और अभी चल के रूम पे खाना बनाएंगे, खाएंगे, नहा धो के फिर निकला जाएगा पुष्कर। 1 बजे ट्रेन है, उसके बाद आज घूमते हैं, मज़ा आएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो चलिए मिलते हैं। और सुबह का मौसम अभी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर मौसम हुआ है इधर, धूप वगैरह बहुत अच्छे से हुआ इधर, सर की बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी छोटी सी ब्रेक के बाद। और आई होप कि आज का यह ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ भी मिलते हैं। ऐसे देखो, ये सारे फूल मैंने लगाए हैं, एक दिन गया था ख़रीदने, हालांकि पैसा सर ने दिया था, और बाकी ये देखिए सारे जो फूल हैं ये मैंने लगाए हैं, बहुत सारे हाइब्रिड हैं। और एक इधर बांधा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी आज खिला है, ये देसी है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। गाइस, ये सारा चीज़ है पूरा रोज ही है, एकदम रोज गार्डन बनाना है इसको। और इधर भी बहुत सारे फूल, इधर अपना है अनार, इधर बहुत सारे, लगभग गाइस मैं लाया था 100 के आसपास पेड़ लाया था गुलाब के, इधर भी सारे गुलाब लगे हैं। और आगे मैं दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं लगा रहा हूँ ना सारे है। इधर देखो ये सब गुलाब, इधर कहने कल मैंने खाद पानी ये सब सारे भी आज खिला हुआ है, देख रहे हो कितना अच्छा है। ये सब देखो हाइब्रिड के हैं, कुछ देसी भी हैं, इधर बहुत सारे फूल एकदम लगा डाले हैं, ये भी आज खिला है, देखिए कितना अच्छा अच्छा बाकी ऐसे बहुत सारे फूल हैं गाइस। तो गाइस, सारे फूल मैंने लगाए थे, इधर भी एक है, इसको कल मैंने काट उड़ दिया, तो अभी फिलहाल मैं पैर धो लेता हूँ थोड़ा। तो गाइस देख ही लिए कितना अच्छा सारा फूल लगा हुआ है। एक्चुअली रोज जो है वहाँ नर्सरी से हम ही लोग लेने गए थे, तो मैं था, एक सर थे, एक दत्त, मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया था, उसको लगा दूंगा। हाय गाइस, आज हम घूमने जा रहे हैं। अरे क्या, मैं इन सर का ड्राइवर हूँ। क्या बात है। तो गाइस चल रहे हैं आज, अभी घूमने नहीं, बूढ़ा पुष्कर का मेला देखने के लिए, देखते हैं क्या सीन रहता है, जो कि ये सारी बातें झूठ है। तो गाइस अभी 11 बज चुका है, अब निकलते हैं रूम पे, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है और खा पी के उसके बाद निकलेंगे और रात तक करीब 12-1 बजे तक आएंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं, ये रहा मेन गेट, और अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइस अभी मैं आ गया था बाहर और चल रहा हूँ रूम पे था, ये देखिए गौ माता इधर क्या कर रही है। तो चलिए अभी मुझे आधा घंटा जाने में लगेगा, क्योंकि मैं पैदल ही जाता हूँ। फाइनली गाइस हम रेडी होके निकल चुके हैं, और अभी हो रहा है 12:52, तो 1 बजे है ट्रेन, अभी निकलते हैं स्टेशन की तरफ। इधर रहा मेरा ये पार्टनर, और चलिए अब मिलते हैं मेले में। और एक है जो नया अप्रेंटिस आया हुआ है, तो हम तीनों साथ ही जा रहे हैं। अरे इधर मैंने बैग वग ले लिया, इसमें थोड़ा स्वेटर रखे हैं, क्योंकि रात तक रहेंगे तो ठंडा हो सकता है लगे। इधर गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टेशन, और हमारा इधर ही रूम इधर है, और चलिए स्टेशन पर आ गए। ये स्टेशन का रहा लुक, अभी धूप तो खूब बढ़िया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 अजमेर, ऋषि के हम जस्ट पीछे रहते हैं। ये रहा स्टेशन का कुछ नज़ारा इस तरीके का। ओ अभी उरा जो हाँ चला गया, बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये देखिए क्या स्टाइल है पानी रखने का, नया जुगाड़। तो गाइस अभी आ चुके हैं लिफ्ट में, और चलिए बाल तो है नहीं, बाल सुझा लेते हैं। चलिए ट्रेन आ चुकी है, तो हम दौड़ते हैं थोड़ा सा। बाकी गाइस आ चुके हैं हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और इधर साल लगी हुई है अपनी ट्रेन। तो गाइस आ चुके हैं हम फाइनली ट्रेन में, रहे हमारे नई सपाटी मिलाते हैं, इनका नाम प्रवीण है, जो
अभी नए आए हुए हैं, इनको करीब 2 महीना हो गया, इनको 2 महीना पूरा हो गया, और हम लोग के जूनियर बंदा बढ़िया है, अपने सीनियर सपोर्ट करो भाई, लाइक करो। तो चलिए मिलते हैं पुष्कर और मेले में, देखते हैं आज गजी दिखा भाई साहब दोनों एकदम जहर लगे, ये बंदा तो आज भाभी मिल जाएगी कंफर्म, भाई साहब भाभी तो मिलनी है आज, ये हमारे रूम पार्टनर युवराज भाई। कितनी भाभी मिलेंगी? अब तुम बताओ। अरे तो दो तो मिलनी चाहिए यार भाई, देखो नॉर्मली बात बनेगी भाई को तो जाए चाहिए यार, क्या चाहिए नहीं भाई अपना। तो चलिए फाइनली ट्रेन अब चल दी, बाकी बातें होती है मेले में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हूँ, बताइएगा कमेंट में जैसा भी है। चश्मा मुझे सूट नहीं करता फिलहाल, लगा लिया हूँ। बाकी गाइस अभी पूरी ट्रेन खाली है, इधर देखिए कोई भी नहीं, एक कोच में पुष्कर लाइन पे एक्चुअली ज़्यादा भीड़ होता नहीं, तो इसी पूरी ट्रेन खाली जा रही है। बाकी ये सच्ची यादें तुझे को बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता कैसे जा रहा है, जा घूम ले भैया, ले ले मज़ा। हाली गज पहुँच चुके हैं और भीड़ बहुत खतरनाक है यार, देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है मेले की इधर भी। चलिए हम नीचे चलते हैं, ये स्टेशन के पहले रुक गई, ये देखो कैमल राइड, इधर भीड़ बहुत खतरनाक यार। अरे तो फाइनली गज आ चुके हैं हम पूछ कर, अभी चलते हैं मेले में और करते हैं मौज, आज रात भर मौज करेंगे है ना। इधर देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी तो ये बाहर का है मेला, पता नहीं कहाँ लगा है, हम लोग को पता नहीं, तो चलते हैं घूम घूम मेला के साइड में लगा गाइस। चलिए मिलते हैं भाई साहब, भीड़ बहुत खतरनाक है यार, देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़, जैसा कि आप देख पाए हमको निकलने अभी यहाँ पे बहुत मुश्किल पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा गाइस यार, गजब की भीड़ है भाई साहब, एकदम खतरनाक। थंबनेल अल्फा अरे। तो गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं थोड़ा सा भीड़ से बाहर, और देख सकते हो इधर टोटल मेला लगा हुआ है पुष्कर का, भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है यार गाइस। फिर अभी चलते हैं उधर, झूला वगैरह झूला जाएगा, इधर का कुछ ऐसा सीन है, ये गजब की भीड़ है यार भाई। चलिए मिलते हैं अब मेले में चल के, कुछ मिलते घामते हैं आर्टिफिशियल गाइस, गाइस फूल लेना हो किसी को तो ले सकते हो, इधर देख लीजिए फूल बनाई गई भाई साहब, गजब ये बोल की ब्रेडी फूल दबा हो मेरी जिंदगी से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बक्खो दी के। हाँ हम थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, प्रवीण भर रहा है पानी, और इधर बाकी झूले वूले लगे हैं, तो चलते हैं घूमेंगे आज पूरी रात इधर ही, इधर भाई साहब हमारे माले यार। अबे साहब कहाँ गया, कुछ क्या बीच रहा है, इधर दस के दो समोसे ले, दस के दो, दस के दो, दस के दो, मैं कह रहा हूँ समोसे ले। अरे ये क्या कैसा बैठा हूँ ना गाइस, 100 के 2 अच्छे चीज़ हैं, ले जाने में दिक्कत हो गया यार इसको, टूट जाएंगे क्या दम लगा में। तो गाइस ये छोटी सी बच्ची देख रहा हूँ, और इधर झूले वगैरह लगे हैं, गाइस ऊँटो ऊँटो की नहीं ऊँटो की, ऊँटो की सवारी कर दें गाइस, आओ ऊँट की सवारी कर लो, इधर देखो आहा, ये गया पूछने कितना ले रहे हैं सरप्राइज। तुम हटे सामने से, गाइस अभी आ चुके हैं हम पशु मेला कहते हैं, हाँ पशुओं का मेला लगा हुआ है देख सकते पीछे, तो देखिए इधर घोड़े और ऊँट भैंसे के सब मार्केट लगे हुए हैं, इसको ले चल, किसी को चाहिए तो गाइस यहाँ से आग ले सकते हैं। तो गाइस अभी फाइनली आ चुके हैं मेले से बाहर, और ये पूरा रेगिस्तान देख सकते हो, यहाँ के
ये प्रवीण हम लोगों को यहाँ का जहाज बना दिया है, देख रहे हो रेगिस्तान में कभी से घुमा रहा है इधर उधर। अभी हम लोग जाना चाह रहे हैं, वहाँ पीछे एक मेला दिख रहा होगा इधर, सॉरी मंदिर है, और कौन सा मंदिर था उसका नाम, शांति देवी प्रेम मंदिर, अरे वो मंदिर माता करके है, तो देखते हैं चलते हैं वहाँ, चलते हैं, चल आजा, ऊंट बन गया है, आजा आजा, फॉलो मी। अच्छा छा गया, जहाँ नहीं तहाँ कुदा रहा है सर, देख रहे हो दीवार कुदवा रहा है, सेल्फी लेना भाई मेरे फोन से, वो दीवार ही कूद के जा रहे हैं सब मेला देखने, कूदते भपाक। चलो गाइस आज कहाँ कहाँ घुसा रहा है ये लोग। तो गाइस हम इस रोपवे से घूमने के लिए ही जा रहे थे, उस मंदिर पे घूमने का खास करके रोपवे से जाना था, लेकिन हम लोगों को रास्ता नहीं मिला इसलिए जा नहीं पाए, तो हम फिर क्या किए वापस आ गए हैं। अब गाइस फाइनली चलते हैं हम झूला झूलने, गाइस अभी आ चुके थे मेली मेला घूम के, थोड़ा सा पता नहीं कैसा हमारा रोल लगा हुआ है। चलिए गाइस चलते हैं इसमें झूलने, झूला पूरा रोटेट, मज़ा आएगा, और इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। चलिए गाइस चलते हैं झूला झूलने और टिकट लेते हैं, इस वाले में चल रहे हैं हम, महंगाई काफ़ी है, 100 रुपये का टिकट है, यहाँ से लेते हैं टिकट, चलते हैं गाइस। अब घर था रात का सीन, तो फाइनली गाइस हम लोग मेला देख दाख के आ चुके हैं वापस, अभी एक्चुअली भूख लगा था खाना वाना खा के, अभी चलते हैं रूम पे, और आज का यह ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।